सादर्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं तुम लोगों को हिंदी में कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग से ही हम लोग अच्छी तरह से अनुच्छेद लेखन या कोई भी भाषा का हम लोग निर्माण करते हैं। कोई भी भाषा लिखने के लिए मुख्यतः हम लोग हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं अभी, तो हिंदी भाषा में भी लिखने के लिए हम लोग बहुत सारे चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये वाक्य जो है इसके बाद यहाँ इस चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। तो उसी के बारे में आज हम लोग विराम चिन्ह में बहुत सारे चिन्हों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पूर्ण विराम क्या है। तो पूर्ण विराम में हम लोग पूर्ण विराम का चिन्ह इस तरह से होता है, और पूर्ण विराम का चिन्ह हम लोग तब प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम हम लोग तब प्रयोग करते हैं जब हम किसी बात को एक वाक्य में पूरा कर लेते हैं। एक वाक्य को पूरा करने के बाद हम लोग पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग करते हैं। इसे इंग्लिश में तुम लोग फुल स्टॉप भी बोलते हो। तो इस तरह से जैसे आज मैं खाना बना ली, तो आज राम आम खाएगा, तो ये वाक्य पूरा हो जा रहा है, तो उसके बाद हम लोग पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। अब आगे दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम कहने का मतलब है कौमा। कौमा कहने का मतलब है इसमें हमें अल्प विराम, अल्प मतलब थोड़ा, विराम मतलब रुकना। तो हम लोग जब वाक्य लिखते हैं तो कभी कभी हम लोगों को दो तीन शब्द, जैसे किसी का नाम ले लें राम श्याम मोहन, तो इन सभी के बीच में कौमा देना होगा, अल्प विराम का प्रयोग होगा, क्योंकि वहां पर राम कौमा श्याम कौमा मोहन ये सभी सब बहुत सारे नाम जो है हम एक वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां हम लोगों को अल्प विराम का प्रयोग करके ही हमें वाक्य पूरा करना पड़ेगा, और वाक्य पूरा होने के बाद हमें पूर्ण विराम का प्रयोग करना होगा। अब आगे ये है अर्ध विराम। अर्ध विराम कहने का मतलब है एक ऊपर डॉट और नीचे कॉमा, ये अल्प विराम, और ये एक ये जो है पूर्ण विराम के पहले जो है ये प्रयोग होता है। तो अर्ध विराम क्या है? अर्ध विराम का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब वाक्य पूरा होने वाला होता है लेकिन पूरा नहीं हुआ रहता है, और वह जो है अल्प विराम के बाद और पूर्ण विराम के पहले हम लोग इस अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। कहने का अर्थ है कि वाक्य पूरा होने से पहले ही जब हमें, और वाक्य पूरा होने के पहले ही और पहले अल्प विराम के बाद जब हमें चिन्ह का प्रयोग करना होता है, तो उस समय हमें अर्ध विराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से अल्प विराम और अर्ध विराम का प्रयोग हो गया। अब उसके बाद आता है प्रश्नवाचक। क्या है ये? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हमें किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आज तुम स्कूल क्यों नहीं गया, आज तुम क्या कर रहे हो, अभी तक तुम अपना कार्य पूरा नहीं किया क्या, तुम अपना होमवर्क पूरा अभी तक तुम लोग अपना होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया, तो ये सभी जो है प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। प्रश्नवाचक, इन सभी वाक्यों के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अब आगे आते हैं विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक यह एक अव्यव भी है। इसमें हम लोग जब अपना खुशी, हर्ष, उल्लास या दुखी, दुखमन को प्रकट करने के लिए हम लोग विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, एक लाइन और नीचे इस तरह से बिंदु। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह में हम लोग इसका प्रयोग करने के लिए हमें, जैसे हर्ष, वाह आज का मौसम बहुत अच्छा है, तो इस तरह से वाह के बाद हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, विस्मयादिक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसी के बाद उसी तरह से हे भगवान आज तो सारा दिन काम करते करते
बीत गया। तो हे भगवान, अब भगवान को याद करने के समय वहां भी हम लोग विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से जैसे तुम, अरे तुम्हें क्या हुआ, तो अरे उसके बाद जो है हम लोग विस्मय आदि चिन्ह का प्रयोग करेंगे, विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जिसमें एक लाइन और एक डॉट दिया जाता है, इस तरह से डॉट दिया जाता है। अब उसके बाद आता है उद्धरण चिन्ह, छठा चिन्ह जो है वह उद्धरण चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह कहने का मतलब है ऐसे इन्वर्टेड कॉमा जो तुम लोग देते हो, यह इकहरा और दोहरा भी होता है, इकहरा दोहरा भी होता है और इकहरा होता है। दोहरा कहने का मतलब दो बार इस तरह से कॉलम, और इकहरा कहने का मतलब एक बार। तो इसमें दोहरा उद्धरण का प्रयोग कब करते हैं, दोहरा उद्धरण का प्रयोग तब करते हैं जब हमें किसी दूसरे के बातों को उसी तरह से उस अनुच्छेद में प्रयोग करना होता है। किसी दूसरे के द्वारा कही गई बात को जैसे के तैसे उठाकर हमें उस अनुच्छेद में प्रयोग करना होता है, तो वह होता है यह दोहरा उद्धरण चिन्ह। उसके बाद इसमें एक इकहरा चिन्ह भी प्रयोग करते हैं। तो इकहरा चिन्ह का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब किसी संख्या या किसी मुख्य बातों को हमें उसे दर्शाना होता है। जैसे यहाँ हम लोग आज कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं, तो विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं। तो विराम चिन्ह में हम लोग इसे इकहरा प्रयोग करेंगे, वहां पर हम दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। दोहरा चिन्ह का प्रयोग हम लोग वहां करेंगे जहां हम किसी दूसरे के बातों को जैसे के तैसे हम उस अनुच्छेद में यदि रखना है, उस भाषा में रखना है, तब हमें उद्धरण दोहरा चिन्ह का प्रयोग करना होगा, नहीं तो इकहरा किसी चीज को इंगित करने के लिए जो है वह हम लोग इकहरा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो योजक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है, योजक। जब दो शब्दों को जैसे सुख दुख, खुशी खुशी, हंसते हंसते, इन सभी दो शब्दों को हम लोग एक साथ जोड़ते हैं, तो उसके बीच में हम लोग ये योजक चिन्ह, योजक कहने का अर्थ ही है जोड़ने वाला, तो योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आगे आता है आठवां निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह ये इस तरह से जो है यह चिन्ह होता है, ये योजक से थोड़ा लंबा होता है। तो निर्देशक चिन्ह कहने का अर्थ है यदि हम जैसे कुछ ऊपर लिख दिए, जैसे निर्देशक कहने का अर्थ है कोई बात जो है हमें नीचे एक निर्देश के रूप में बताना है, तो हम लोग ऊपर जैसे कुछ पॉइंट बताना है तो वहां पर हम लोग इस तरह से एक डैश देते हैं, निर्देशक चिन्ह। तो उसे हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से थोड़ा सा योजक चिन्ह से लंबा इस तरह से रेखा खींचते हैं, तो यह निर्देशक चिन्ह हो गया। अब आ गया कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह जैसे कि ये सभी कोष्टक है, ये सभी कोष्टक है, तो ये कोष्टक चिन्ह है। कोष्टक चिन्ह में हम किसी संख्या जैसे प्रश्न नंबर एक का क, तो उसे हम लोग कोष्टक में घेर कर लिखते हैं ताकि समझने वालों को दिक्कतें ना हो, और यह प्रश्न संख्या दिया गया है, या किसी को क्रमबद्ध लिखने के लिए हम लोग कोष्टक का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से अब आता है दसवां नंबर पर लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह जो है वह इस तरह से होता है। इसका कहने, लाघव चिन्ह में जब हम किसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे डॉक्टर मेघनाथ साहा, तो डॉ ऐसे लाघव चिन्ह देने से हम लोग क्या समझते हैं कि वह जो है वह अब क्या हो गया, यह जो है ये डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म जो है वह इस तरह से लाघव चिन्ह देकर हम लोग लिख सकते हैं। अब ग्यारहवा में हम लोगों को हंस पद दिया गया है। हंस पद कहने का मतलब है इस तरह से, हंस पद चिन्ह का प्रयोग हम लोग
तब करते हैं जब कोई हम वाक्य लिखते हैं, पूरा वाक्य लिखते हैं और बीच में कोई कोई शब्द जो है हमारा छूट जाता है, तो उसे हम लोग इस तरह से नोट डिनोट करके और ऊपर में यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे कि कोई वाक्य ले ले, मोहन आज गया, यहाँ कुछ छूट गया तो हम इस तरह से डिनोट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे बाजार गया, तो मोहन आज बाजार गया। तो इस तरह से ये सभी चिन्हों का प्रयोग हम लोग आज जाने कि सभी चिन्हों का प्रयोग किस तरह से कहाँ पर और सही ढंग से किस तरह से करना चाहिए। तो यह तुम लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण है तुम लोगों के लिए, इसलिए इसे तुम लोग अच्छी तरह से जानोगे और अब इसके बाद जो है तुम लोग ध्यान करोगे और इसका प्रयोग जो है सही ढंग से करोगे। अनुच्छेद लेखन में इन सभी चिन्हों का प्रयोग अच्छे ढंग से करने पर बहुत ही अनुच्छेद लेखन बहुत सुंदर ढंग से लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।